अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ज़ायरस किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही फेमस टेस्टी शॉर्मा रेसिपी, रेस्टोरेंट स्टाइल शॉर्मा रेसिपी। आप घर पर ही बना सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को बनाना चाहते हो तो मेरी वीडियो को एंड तक देखें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, स्किप ना करें। यहाँ पे रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो एक लाइक करें। चलें अब यहाँ पे देर किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे लेंगे 3/4 कप दही, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला 3/4 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर 1/4 टेबल स्पून, चिकन टिक्का मसाला 1.5 टेबल स्पून, नींबू का रस 1 टेबल स्पून डाल के अच्छे से मिक्स करें। सारे इंग्रेडिएंट्स को अब यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद सबसे मेन इंग्रेडिएंट इसमें डालेंगे नमक। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें। यहाँ पे इसे भी डाल के मिक्स करने के बाद यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट डाल के अच्छे से मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया है। 1/2 किलो चिकन यूज़ किया है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद इसे ढक के 1 घंटे के लिए रख दें एक साइड। यहाँ पे सेकेंड स्टेप में बीटा ब्रेड बनाने के लिए आटा लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा यूज़ किया है। यहाँ पे 2 कप मैदा ऐड करें। अब इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 पिंच सोडा ऐड करें जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं वही सोडा, बेकिंग पाउडर 1/4 टेबल स्पून, दही 1/2 कप, 2 टेबल स्पून तेल ऐड करके सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर दें। अब यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें पानी ऐड करते हुए आटे को अच्छे से गूंध लेंगे। स्मूथ डो गूंधे यहाँ पे। यहाँ पे आटे को मैं अच्छे से गूंध लिया है। अब इसे कवर करके 1/2 घंटे के लिए एक साइड रख देंगे। तब तक यहाँ पे हम सॉसेस रेडी कर लेंगे। मायो सॉस यानी कि मायोनीज सॉस बना लें। यहाँ पे लेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 1.5 टेबल स्पून तिल, 1/2 टेबल स्पून चीनी, 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, नींबू का रस 1 टेबल स्पून। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून तेल। अब इसमें ऐड करेंगे मायोनीज 1/2 कप। आपको जितना क्वांटिटी चाहिए उतना मायोनीज यहाँ पे ऐड करके आप बना सकते हैं मायो सॉस। अब इसे ब्लेंड कर लेंगे मिक्सर जार में। आप यहाँ पे थोड़ा सा मिल्क ऐड करके इसे ब्लेंड कर सकते हैं। मिल्क ऐड करने से ईजीली अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ब्लेंड कर लिया है। इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे हमारा मायो सॉस बनके तैयार है। इसे भी एक साइड रख देंगे। फिर बनाएंगे चिली सॉस। ईजी मेथड में हम बना सकते हैं। यहाँ पे लेंगे रेड चिली सॉस, नहीं तो आप शेजवान चटनी ले लें यहाँ पे। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटो केचप 2 टेबल स्पून, दोनों इक्वल क्वांटिटी में ऐड करें। अब यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नींबू का रस। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तैयार किया है, आप चाहे तो ज़्यादा क्वांटिटी में इसे बना सकती हैं। मुझे जितना चाहिए उतना यहाँ पे बनाया है। इसे भी एक साइड रख देंगे। बहुत ही ईजी मेथड में चिली सॉस बन के तैयार है। अब यहाँ पे बनाएंगे सलाद। इसके लिए पत्ता गोभी बारीक स्लाइसेस में कट कर लें 1 कप, गाजर 3/4 कप, शिमला मिर्च 1/2 कप, प्याज 3/4 कप। इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस 2 टेबल स्पून। अब इसमें कोई भी आप वेजिटेबल इसमें आपको जो पसंद है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे काली मिर्च पाउडर थोड़ी सी और थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दें सारे वेजिटेबल्स को। अब यहाँ पे मिक्स कर दिया है। सलाद बनके यहाँ पे तैयार है। इसे भी एक साइड रख देंगे। अब यहाँ पे चिकन को मैरिनेट करते हुए 1 घंटा हो चुका है। आप इसे मिनिमम 10-15 मिनट्स के लिए रख दें, तभी ये चिकन अच्छे से टेस्ट आएगा।
अब एक पैन में 4-5 टेबलस्पून तेल ऐड करके थोड़ा सा गर्म होने के बाद चिकन पीसेस ऐड कर दें। मैरिनेट किए हुए चिकन पीसेस इसमें डाल दें। डाल के दोनों साइड इस तरह से पलटते हुए अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो चुका है चिकन। अब इसे एक प्लेट में निकाल लें। अब यहाँ पे सारे चिकन निकाल लिया है एक प्लेट में। अब इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद इस तरह से पीसेस में कट कर दें। कट करके इस तरह से नाइफ के हेल्प से मैश कर दें चिकन को। मैश करने के बाद इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब यहाँ पे चिकन तैयार है। अब इसे भी एक साइड रख देंगे। अब यहाँ पे लेंगे डो। आधे घंटे के बाद ये अच्छे से स्मूथ हो चुका है। अब इसे निकाल के और थोड़ा सा गूंद लेंगे। गूंदने से और भी डो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे इस तरह से कट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने टोटल 8 पार्ट्स में कट कर दिया है। कट करके इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से बॉल शेप में सारे बना के एक साइड रख दें। अब यहाँ पे सारे बॉल्स बना लिया है। अब इसे एक एक करके इस तरह से बेल लेंगे। यहाँ पे ज़्यादा पतला भी ना मिले, ज़्यादा मोटा भी ना मिले, इस तरह से इसको बेल लेंगे। बेलने के बाद इसे सेक लें, दोनों साइड मीडियम फ्लेम में सेकें। इस तरह से पलट पलट के इसे अच्छे से पका लेंगे। ऐसे करते हुए सारे ब्रेड हम यहाँ पे सेक लेंगे। अब यहाँ पे अच्छे से ये पक चुकी है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लें। यहाँ पे देखिए सारे तैयार हैं। अब यहाँ पे मायो सॉस, चिल्ली सॉस, सैलेड, चिकन और यहाँ पे ब्रेड भी बनके तैयार हैं। अब यहाँ पे इसके ऊपर पहले हम सॉसेस डाल देंगे। मायो सॉस इस तरह से इक्वली स्प्रेड कर दें। अब इस पे डालेंगे चिल्ली सॉस, इसे भी इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। अब यहाँ पे डालेंगे चिकन। आपको जितना क्वांटिटी में चिकन चाहिए उतना यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जितना चिकन डालेंगे उतना टेस्ट रहेगा। अब यहाँ पे डालेंगे सैलेड, इस तरह से ऐड कर दें। अब फिर से यहाँ पे डालेंगे मायो सॉस। डाल के इस तरह से फोल्ड करें। आप चाहे तो यहाँ पे जो हम मार्केट वाला रेस्टोरेंट वाला जो बटर पेपर है वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सबके घरों में वो पेपर नहीं रहेगा, इसलिए इस तरह से नॉर्मल पेपर से मैंने यहाँ पे फोल्ड किया है। आप भी इस तरह से नॉर्मल पेपर से फोल्ड कर सकते हैं। ऐसे फोल्ड करके तैयार है यहाँ पे शोरमा। बहुत ही टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल शोरमा बनके यहाँ पे तैयार हुआ है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से एक बार ट्राई करें। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हुई तो एक लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, आगे दिया हुआ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जो भी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी आप तक जल्द से जल्द पहुँचें।